गाइज, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग नई गाड़ियां लेते हैं उनके पीछे AF लिख दिया जाता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो या छोटी। अधिकतर नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है और ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं कि नए गाड़ियों के नंबर प्लेट पर AF क्यों लिखा जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत नए और पुराने वाहनों का पंजीकरण होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी दुपहिया, तीन पहिया या चार पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है, उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता है, उसकी नंबर प्लेट पर AF लिख दिया जाता है। AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है, तब तक उसको नंबर प्लेट पर AF या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी जाती है। AF लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को एक सप्ताह से अधिक तक चलाते हैं तो ऐसा करना गैर कानूनी है। RTO द्वारा AF लिखने की सुविधा सिर्फ उस अवधि तक के लिए दी जाती है जब तक कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद भी आप अपनी गाड़ी पर AF लिख कर चलाते हैं तो यह गैर कानूनी होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।